नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पायलट मसले पर दिल्ली में बैठकों का दौर, नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी बोले मिला मेहनत का फल। पूर्व मुख्यमंत्री राजे उदयपुर पहुंची, डूंगरपुर के लिए रवाना। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मांगी मन्नत। नागौर में SDM ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में वसुंधरा राजे के शासन में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं होने से नाराज सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। इस प्रकरण में दिल्ली में आज बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रभारी महासचिव KC वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को पूरे मामले में फीडबैक दिया है। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से चर्चा की है। हालांकि राहुल ने पायलट को लेकर क्या कहा है इसका ब्यौरा नहीं मिल पाया है। राहुल गांधी से बैठक के बाद अब दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सरकारी विभागों में भर्ती हुए 71,000 भर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसका आगरा के सूर सदन प्रेक्षा ग्रहण में सीधा प्रसारण दिया गया। साथ ही जनरल VK सिंह ने 235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। आगरा में सूर सदन में सुबह 9 बजे से ही अभ्यर्थी जुटने शुरू हो गए थे। रोजगार मेले का सीधा प्रसारण देखकर अभ्यर्थी उत्साहित हो उठे। PM ने सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित किया कि आज से उनकी नई यात्रा शुरू हो रही है। उन्हें जिस विभाग या पद पर नियुक्ति मिली है वहां काम करते समय सामान्य मानवीयता का ध्यान रखें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को उदयपुर पहुंची। महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व CM राजे का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजे एयरपोर्ट से सीधे वाया रोड डूंगरपुर के लिए रवाना हो गई, जहां वे आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा की ओर से कराई जा रही भागवत कथा में शामिल होंगे। राजे दोपहर करीब 2 बजे वापस उदयपुर के लिए रवाना होंगी। शाम 4:30 बजे तक उदयपुर पहुंचेंगी। रात्रि विश्राम उदयपुर में ही करेंगी। फिर शुक्रवार सुबह 8:20 पर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अचानक बांसवाड़ा पहुंचे। पार्टी के जिलाध्यक्ष व कुछ नेता कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे और अल सुबह त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पहुंचे। पंडित निकुंज मोहन आचार्य ने पूजा अर्चना कराई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव, महामंत्री मुकेश रावत तलवाड़ा, पंचायत समिति प्रधान भाजपा नेता हकरू मईडा उनके साथ रहे। माँ त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में पूनिया ने मन्नत की अर्जी लगाई और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। नागौर जिले के जौल में चलाई जा रही इंदिरा रसोई का गुरुवार को SDM ओम प्रकाश वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SDM वर्मा ने खुद भोजन करके रसोई की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने भी भोजन कर उनकी गुणवत्ता देखी। इस दौरान अधिकारियों ने इंदिरा रसोई में बनने वाले दैनिक भोजन करने वालों का रिकॉर्ड सहित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रसोई में पड़े फूड आइटम की जाँच भी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में 16 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस परेड समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर के साथ ही रेंज, जिला, यूनिट, प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर समारोह पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के गार्डन रेजर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को रेंज स्तर पर अति उत्तम सेवा चिन्ह एवं जिला स्तर पर उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मामलों की अब तक जांच नहीं होने का मुद्दा उठने के बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति में भी चर्चाएं हैं। हालांकि भाजपा देखो और इंतजार करो की नीति पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली ने भी इस मामले से फिलहाल दूरी बना रखी है। इतना जरूर है कि पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। वसुंधरा समर्थक कुछ मौजूदा व पूर्व विधायकों ने उनके समर्थन में बयानबाजी जरूर की है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज्य के पक्ष में तो खड़ा नजर नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की विशेष विंग ने भैंस चोरी में फंसाने की धमकी देकर 7,000 रुपये रिश्वत लेने पर जोधपुर जिले के पुलिस स्टेशन बिलाड़ा के ASI रामकिशन बिश्नोई को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसने थाना परिसर की बैरक में रिश्वत ली। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मालकोसनी गांव के रविंद्र कुमार जाट की गत 31 दिसंबर को 4 भैंस व उसका एक बच्चा गायब हो गए थे। रविंद्र के भाई धर्माराम ने 2 युवकों पर संदेह जताया था। जांच अधिकारी बिश्नोई ने दोनों भाइयों को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी थी। गिरफ्तारी से बचने के बदले 15,000 रुपये रिश्वत मांगी। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% ब्याज दिया जाएगा।
अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का इस योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ये खाता खोला जा सकता है। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ में बड़ी छूट देने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने एक बार फिर धार्मिक जगहों और गरीबों के जमीनों के पट्टे बांटने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में कोई भी धार्मिक जगह हो या सरकारी जमीन हो, उस पर बंदरबांट का खेल चल रहा है। विधायक ने कहा कि गरीबों और धार्मिक जमीनों को अगर बेचा जाएगा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने शहरवासियों से वादा करते हुए कहा कि आगामी दिनों में इन जमीनों की चार दीवारी करवाकर इन्हें सुरक्षित कर दिया जाएगा। राजस्थान का बहुचर्चित संजीवनी घोटाले को लेकर बीते कुछ दिनों से सियासत गरमाई हुई है। लाखों निवेशकों ने अपने खून पसीने से एक एक रुपए जोड़कर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 900 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा करवाए थे। इसमें ऐसे कई गरीब हैं जो रुपए जमा करवाते समय बेटी की शादी, बूढ़ी माँ का इलाज करवाने का जो सपना देखा वो साल 2019 में टूट गया। बाड़मेर में पीड़ित कारपेंटर का कहना है कि बेटी की हार्ट सर्जरी करवाने के लिए पैसा जमा करवाए थे। वहीं सिलाई का काम करने वाली महिला का कहना है कि उसने 100-100 रुपए निकाल कर जमा करवाए थे। कंपनी की संपत्ति जब्त करने के लिए अब लिक्विडेंटर नियुक्त किया गया है। राजसमंद जिले में रबी फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों की रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके तहत बुधवार तक जिले में 803 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगले सप्ताह के अंत तक जींसों की खरीद शुरू होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इसके लिए काश्तकारों को ई मित्र और मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने पर निकटतम खरीद केंद्र पर निर्धारित तिथि और समय पर अपनी उपज को लेकर पहुंचना पड़ेगा। जींसों की तुलाई के बाद खरीद की राशि सीधे खाते में आएगी। कोटा में कोचिंग सेंटर में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ऐसे में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स कोटा पहुंच रहे हैं। यहां हॉस्टल में और पीजी में बच्चे किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। इसी बीच हॉस्टल्स में बच्चों को परेशान होने की शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी अब सख्त मूड में है। इसे लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें हॉस्टल संचालकों को बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखने और परेशान नहीं करने को लेकर हिदायत दी है। इधर लगातार निगम की टीमें भी हॉस्टल्स में निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आधुनिक चकाचौंध की दुनिया में भले ही मोबाइल की अपनी अहमियत है, लेकिन पुलिस के लिए आज भी वायरलेस रॉब जमाने का दूसरा नाम है। जिस तरह वर्दी के बिना पुलिस अधूरी है, उसी तरह वायरलेस के बिना पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का मजा नहीं। पुलिस के सूचना तंत्र में वायरलेस का अहम स्थान है, जो मोबाइल की तरह ना हैक होता है और ना ही हैंग। अफसरों के टेबल पर वायरलेस हैंडसेट पेन की तरह सस्ता है तो उनका रुतबा भी बढ़ता है। लोग जिस तरह मोबाइल घर पर भूल जाने पर बेचैन उठते हैं, वैसे ही बिना वायरलेस के पुलिस भी बेरंग है। राजस्थान में अगले 2 दिन में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 15 अप्रैल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इससे पूर्व बुधवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ कोटा में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल इस सप्ताह राजस्थान में हीट वेव चलने की संभावना कम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।